गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। और आज मैं गोभी भुजिया बना रही हूँ। सब कुछ तैयार हो चुका है, सब कुछ मिला दिया है ऐसे, बस लास्ट में थोड़ा सा लहसुन मिला रही हूँ कूट के। कल रात को आलू मेथी सब्जी बनाया था, बच गया था, और इसका मैं अभी सुबह पराठे बना रही हूँ। आलू को मैश कर लिया है, अब हम कटोरी बना लेंगे पराठे बनाने के लिए। उसमें अभी आलू मेथी भर रही हूँ, इसको अच्छे से बंद कर लेना है। और धीरे धीरे हल्के हाथों से बेलना है। सही बन रहे थे आलू मेथी पराठा, फट नहीं रहे थे। तवा गरम हो चुका है, उसमें डाल दिया है। चावल या रोटी के साथ ये कड़वा लग रहा था, ऐसे पराठे मटर उटर के साथ सही लग रहा था, सॉस चटनी के साथ। रिफाइंड तेल से बना रहे हैं, आप चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरफ से अच्छे से पका लेना है। और गरम गरम ही सही लगते हैं पराठे ऐसे। तैयार हो चुका है, हम जा रहे थे हैं वहाँ पर, बहुत लंबे लंबे मूंगा पेड़ है और फूल आ रखे हैं खूब, फल भी खूब आते हैं इसमें। मूंगा साग फूल फल मुझे बहुत पसंद है। और ये रसेमल का इतना बड़ा सा पेड़, इतना बड़ा, इसमें फूल आ रहे हैं। और हम लेके आए थे जब बच्चों के साथ स्कूल से आ रहे थे, तब अच्छा लग रहा था सेमल का फूल, प्लस के फूल जैसे भी लग रहे थे जो गांव में मिलता है, वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को। और घर आने के बाद पापा जी के लिए नाश्ता उश्ता बना दिया है, खाना वाना सब तैयार कर दिया है। उसके बाद मैं टोले परे दोनों का लंच बॉक्स सब भी साफ़ कर दे रही हूँ, और चकला बेलन सब सब कुछ साफ कर दे रही हूँ। बर्तन सबको मैं बोरी से मांजती हूँ, सॉफ्ट सा होता है उससे। बर्तन जब भी गंदे हो जाते हैं उसको मैं करते जाती हूँ, नहीं तो एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए। बर्तन वर्तन धुल गए हैं सारे, वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।